एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। बघेल साहब, आज मतदान का दिन है, कैसा महसूस हो रहा है? डर लग रहा है, कोई झिझक, कोई चुनौती? जब जनता साथ में हो, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का जब आशीर्वाद होता है तो जनता एक सुरक्षा कवच होती है, इसलिए कोई डर नहीं लग रहा। और पहला चुनाव नहीं है, ग्यारहवां चुनाव लड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आदत भी पड़ गई और जनता मनोबल बढ़ाती है, उत्साह बढ़ाती है। तो जो आप वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं? जी, निश्चित तौर से केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और खासतौर से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिल रहा है और निरंतर सतत लगभग प्रतिदिन में अपनी लोकसभा में 365 दिन रहता हूँ, तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सबसे अच्छा राजनीति में। आप चुनौती मानते हैं बसपा को कि सपा को, इंडिया गठबंधन को? कुछ है ही नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज एक बात कहूँ, और मैं सुपरलेटिव डिग्री में बात करने के लिए नहीं जाना जाता हूँ देश में, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी योजनाएं और जनता के प्यार की बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत मैं आज एक बात कहने जा रहा हूँ। जब से आगरा लोकसभा बनी है, पुरानी या नई, बहुत लहरें आई हैं। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया था तो 52 में बड़ा भयंकर रहा होगा, तो 52, 57, 62, 67, 74, 77 जितने चुनाव हुए, 80, 84, 89, 91, 96 क्रम बता रहा हूँ, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 आगरा लोकसभा में इस बार जीत का अंतर सर्वाधिक होगा। इस दौरान रामलहर भी आई रही होगी, इंदिरा गांधी की मौत की सहानुभूति रही होगी, जनता दल गोफोर्स की लहर रही होगी, जनता पार्टी रही होगी, लेकिन लीड इस बार सर्वाधिक आगरा लोकसभा की होगी और महान नेता लोग भी इस लोकसभा से लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।